नमस्कार, मंजिला शर्मा दौड़ लताकुंज की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं छेने के रसगुल्ले बनाने जा रही हूँ। छेने के रसगुल्ले बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं छेने को तैयार करूँगी। छेने को तैयार करने के लिए मैंने ये दूध गर्म कर लिया है। अब गैस बंद कर देती हूँ। दूध को उतार कर नीचे 5 मिनट के लिए ठंडा करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें नींबू का रस निचोड़ती हुई जाऊँगी। दूध को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब देखिए, मैं इस दूध को फाड़ती हूँ। तो मैंने ये नींबू का रस तैयार किया है। ये 2 नींबू का रस है। अगर आवश्यकता होगी तो हम इसका रस और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैं धीमे धीमे इसको डालना शुरू करती हूँ। ये देखिए, फटना शुरू हो गया है। देखिए, अभी ये पूरी तरह से नहीं फटा है। अभी मैं, अगर ये जरूरत हो सकती है तो मैं तीसरा नींबू का रस भी डाल सकती हूँ, क्योंकि देखिए अभी ये इतना पतला पतला सा फटा हुआ है। ये मैं आधा नींबू का रस और डाल लेंगे। अभी देखिए पूरी तरह से फट चुका है। अब मैं इसको इसमें छानती हूँ। अब देखिए, ये छानने के बाद अब मैं इसको नींबू को, इसको जो पनीर निकला है इसको धो लेती हूँ, जिससे इसका खट्टापन सारा खत्म हो जाए। और देखिए, इस तरह से मैं इसको लेकर बांध देती हूँ। हमको इसका बस पानी सारा निकालना है। इस तरह से देखिए, ये हमारा पनीर बनकर तैयार है। अब हम इसको कम से कम 10 मिनट तक, जैसे आटा गूंदते हैं इसी तरह से इसको गूंदकर इसको सॉफ्ट करेंगे। और इस तरह से गूंदकर सॉफ्ट करना है। इस देखिए, इस पनीर को हमको 10 मिनट तक गूंदना है। जैसे हम लोग आटा गूंदते ना, उस तरह से हमको प्लेट में 10 मिनट तक पूरा इस तरह से ही गूंदना है। अब देखिए, मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ। मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, और जिस कटोरी से 1 कटोरी चीनी ली है उसी से मैं 5 कटोरी पानी लूंगी। अब मैं गैस को जला दे रही हूँ, और गैस को चलाने के बाद मैं चीनी को इस तरह से चलाती जाऊंगी जिससे ये चीनी लगे नहीं। हमको चीनी को चलाते हुए रहना है। अभी देखिए, अब हम रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। ये हम बनाकर देखेंगे कि ये फूट तो नहीं रहे। अगर ये फूट रहे होंगे तो हमको दोबारा मैदा को, इसको पनीर को दोबारा से हमको फिर मथना पड़ेगा। पर हमने देखा कि देखिए ये बिल्कुल फूट नहीं रहे हैं, तो हमारा इसका मतलब पनीर अच्छे से है। अभी देखिए, हमारी चाशनी खोलने लग गई है। अब चाशनी खोलने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच दूध डाल रही हूँ, जिससे हमारा जो दूध का जो चाशनी चीनी का गंदापन है वो खोलने के बाद बाहर निकल जाए।
और हमारे रसगुल्ले जो है बिल्कुल सफेद दिखाई दें जैसे बाजार में मिलते हैं। देखिए किनारे पे गंदगी आना शुरू हुई है, देखिए इस गंदगी को मैं निकाल देती हूँ। अब देखिए अब मैंने लोई बनाकर रखी हुई थी, अब इनको ऐसे इस तरह से घुमा घुमा कर मैं डालती जाऊंगी। ढक देती हूँ। अब मैं इसको ढक देती हूँ लेकिन मैं इसको पूरी तरह से नहीं ढक रही, इसको खुला छोड़ती हूँ और इसको 7 मिनट के बाद फिर मैं इनको चला दूंगी। ये देखिए ये सारे जो रसगुल्ले मैंने डाले थे, ये सारे रसगुल्ले जो है घूमते हुए सारे ऊपर आ गए हैं। देखिए ये इनकी पहचान है। अभी इनको मैं 5 मिनट और, अभी तो इनको डाले हुए 4 मिनट ही हुए हैं, अभी मैं इनको 4-5 मिनट और रखती हूँ फिर मैं इनको पलटूंगी। इनको इसमें डाले हुए 7 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इनको धीमे धीमे पलट देती हूँ। अब मैंने ये पलट दिए हैं, पलटने के बाद 7 मिनट के बाद फिर मैं इनको देखना है। इसको खोलते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और देखिए इसको हमको अब बर्फ के पानी में निकालना है। ये बर्फ का पानी लाकर मैं रखा हुआ है। ये देखिए बर्फ के पानी में डाल दिए हैं, अभी बर्फ के पानी में ये 5 मिनट तक इसी तरह से डूबे रहेंगे, 5 मिनट के बाद निकालेंगे इनको। बर्फ के पानी में पड़े हुए इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुका है, अब मैं निचोड़ कर और दोबारा से जिस पानी में मैंने, जिस चाशनी में मैंने इसको खोला था उसमें वापस डाल दूंगी। अब ये बर्फ के पानी में से निकाल कर मैंने फिर से ये जो चाशनी पहले बनाई थी उसी में वापस डाल दिया, जिस चाशनी को ये सोक कर लेंगे। और अब हम इनको जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसका फ्रिज में रखकर और ठंडा करने के बाद फिर हम सर्व करेंगे। हमारे ये सर्व करने के लिए तैयार हैं, अब हम इनको सर्व कर सकते हैं।